19 जून को मंगोपीर वंगी गोट की पहाड़ियों से खातून की लाश मिली, जिसके साथ एक बच्ची भी लिपटी हुई थी, और वो ये बताती थी कि निम्मी नामी शख्स ने उसकी माँ को कत्ल किया है। उस वक्त तो पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि वो निम्मी नहीं बल्कि समी कहना चाह रही है। आपका क्या नाम है? बतूरी। बतो। आप लोगों के पास मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के पास माफी, मेरे बेटे को कातिलों को कभी माफ नहीं करेंगे। मुमताज बीबी के शौहर यासिर से अलैदगी हो गई थी। वो फैक्ट्री में मुलाजमत करके अपना और दो बच्चों का गुजारा कर रही थी। पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने फैक्ट्री में साथ मुलाजमत करने वाले अली से राब्ता किया, लेकिन अली अपने दोस्त समी के साथ मिलकर कुछ और ही मंसूबा बनाकर बैठा था। तनख्वाह नहीं मिला था तो इसने बोला था, अली भाई मुझे किराया देना है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पुलिस ने कातिलों तक पहुंचने के लिए अहले खाना के बयानात लिए तो यासिर की पहली बीवी से हुई बेटी ने बयान दिया कि माँ बताकर गई थी कि वो अली से पैसे लेने जा रही है। कॉल जब की तो अली ने की, समी ने नहीं की, क्योंकि समी के साथ इसका झगड़ा पहले से हो चुका था, लेकिन समी इंतकाम का इंतजार कर रहा था कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो इससे इंतकाम लेगा। उसने अली को इस्तेमाल किया। मुमताज बीबी की 7 साल कबल यासिर से शादी हुई थी। यासिर घर में दोस्त समी और अली को बुलाकर नशा किया करता था। इस पर मुमताज बीबी का यासिर और उसके दोस्तों से झगड़ा रहता था। मुमताज बीबी 19 जून को बेटी फातिमा के साथ पैसे लेने नॉर्थ कराची पहुंची तो अली मोटरसाइकिल पर उसे मंगोपीर ले गया, जहां रक्षा ड्राइवर शहाब मुलजिम समी को लेकर वहां पहुंचा और समी ने मुमताज को गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द इस कत्ल में शामिल तीसरे मुलजिम शहाब को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।